तो दोस्तों यहाँ पर हम कोक ढूंढे ढूंढे परेशान हो गए, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे बार है, बियर बार और दारू वगैरह ज़्यादातर चलती है यहाँ पर। तो और ऊपर से ये रेत इतना धस रहा है नीचे, चलना भी बहुत मुश्किल हो। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मिस्टर गो के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जो लोग नए हैं तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मिस्टर गो के चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन लोगों का थैंक यू। तो आज हम हैं गोवा के बागा बीच में, तो थोड़ा सा गोवा के बारे में बता देते हैं ना। गोवा में टोटल 35 बीचेस है, जिनमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर बीचेस में से एक ये बागा बीच भी है। आप देख सकते हो मेरे पीछे भीड़ है ना। तो बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों थोड़ा खाली स्पॉट देखें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। अब देखते हैं कहाँ पर जाना, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा नज़दीक से दिखाऊँगा आपको। बोटिंग वगैरह हो रहा है, तो नाव वगैरह चल रहा है, तो पैसेंजर नाव वगैरह वहाँ है ना। तो वहाँ पर ग्लाइडिंग वगैरह भी हो रहा है, पैराशूट में बोट ग्लाइडिंग वगैरह हो रहा है। तो ये है यहाँ का नज़ारा। बहुत ही ज़्यादा रश है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आसान जगह देख के हम जाते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा है ये बीच। तो इसी लंबाई में टोटल जो मैंने पढ़ा था 35 बीच इसी लंबाई में ही पड़ जाता है। तो ये आई थिंक ये आखिरी छोर है बीच का। तो ये वहाँ पर बीच ख़त्म होता है। अब दूसरा छोर जब मैंने इससे पहले वाली वीडियो जो दिखाई थी वो जो अगोड़ा फोर्ट में ख़त्म होता है। तो ये इतना बहुत ही लंबा, एक दिन में कवर करना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कोक ढूंढे ढूंढे परेशान हो गए, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे बार है, बियर बार और दारू वगैरह ज़्यादातर चलती है यहाँ पर। तो और ऊपर से ये रेत इतना धस रहा है नीचे, चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हम कोक ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर कोक मिलेगा कहाँ। यहाँ अंदर पूछा तो यहाँ पर पूरा सजा रखा, दारू बियर मैकडॉनल्ड्स वैट 69 सब सज रखे। अब वो हमारी मतलब की है नहीं, तो हम कोक ढूंढ रहे हैं। मतलब कोक ढूंढते फिर उसके बाद थोड़ी देर कहीं पर बैठते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स होना है, फिर उसके बाद निकल जाएंगे। क्योंकि गोवा का ये आखिरी दिन है हमारा, फिर उसके बाद हमने निकलना कर्नाटक के लिए। तो थोड़ा लास्ट डे में थोड़ा सा रिलैक्स होके निकले करके, बाकी बने रहो। तो दोस्तों यहाँ पर अंदर बहुत अंदर घुसने के बाद हमें कोक मिल चुका है। और कोक के साथ 5 रुपये एक्स्ट्रा निकला था, तो ये प्राइस है, तो प्राइस लिया हमने। बाकी आप चलते थोड़ी देर वहाँ पर बैठेंगे। तो दोस्तों अभी हम फिलहाल यहाँ बागा बीच बागा टोल में हैं। तो अभी जा रहे हैं हम आने के लिए। तो ये तो इसे तैरना आता नहीं है, तो ये हमारी बैग की रखवाली करेगा यहीं पर। मतलब ये सीपी वगैरह ढूंढ रहा है तब से, तो इसे ढूंढने दो, बाकी हम तो निकले। तो दोस्तों अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से। थोड़ी देर के लिए इस किनारे पे हम बैठे थे, बहुत ही अच्छा लगा, वीडियोस बनाए, रील्स बनाए। उसके बाद सनसेट हो रहा है, सन दिख नहीं रहा है अभी जैसे, लेकिन उसके बाद भी इतना प्यारा व्यू लग रहा है, आप देख सकते हो। बाकी अब हम निकलने वाले हैं, तब तक स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली गाइस सनसेट हो रहा है, बहुत ही प्यारा सनसेट लग रहा है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये सनसेट हो रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये देखो। तो इतना प्यारा लग रहा ना दोस्तों सनसेट, वाओ। पानी आ रहा है, जूते पूरे भीग जाएंगे मेरे ना, तो मैं थोड़ा आगे नहीं जा रहा हूँ। बहुत ही प्यारा लग रहा सनसेट ना, वो ये देखो।
दोस्तों होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा। तो आई थिंक गोवा का सफर यहीं पर ख़त्म होता है और आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब बटन दबा दो ताकि भाई को भी हेल्प हो सके और मेरी फैमिली में आप भी शामिल हो सके और आने वाली स्टेट के मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टेट में एक नए सफर में। तब तक बने रहो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, टाटा, गुड बाय।